लग रहा है, इतना कोहरा है चारों तरफ, चारों तरफ इस कोहरा ही कोहरा। चैनल तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि पीछे जो मेरा बस है, ये है आज की हमारी सवारी, और इसमें करके हम जाने वाले हैं दार्जिलिंग, और उससे पहले जाने वाले हम गैंगटॉक। तो ये जो ब्लॉग है वो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसको मैं दो हिस्सों में बांटने वाली हूँ, एक दार्जिलिंग ब्लॉग होगा, एक गैंगटॉक ब्लॉग होगा, ठीक है। तो अभी तो ये इस बस में करके हम जाएंगे सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से डायरेक्ट चले जाएंगे गैंगटॉक में, और वहाँ पर हम वादियों का मज़ा उठाएँगे। So don't miss this vlog, so चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे पता है कि आप कर लोगे, ठीक है। कोलकाता का जो स्प्लैनेट है ये आप देख रहे हो, ये पूरा स्प्लैनेट का बस एरिया है, तो इसी बस एरिया से ये बस छोड़ती है। सो हम जल्दी से जाते हैं और बस का एक टूर करके आते हैं, ठीक है। सिलीगुड़ी जाने के लिए आपको किसी भी तरह की बस यहाँ पर स्प्लेनेट से मिल जाएगी। हमारी जो ये बस है ये लग्जूरियस वॉल्वो बस है, इसका प्राइस है 1300 पर हेड। सो बस बहुत ही कंफर्टेबल था, तो बहुत ही अच्छे व्यास है। सो गाइस, ये बस का जो इंटीरियर है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ह्यूज कैपेसिटी है इसका, और हम इस पे करके जाएंगे सिलीगुड़ी। तो मेरे साथ है मेरी मम्मी पापा, वो रहे मेरे मम्मी पापा, बस के अंदर इन्होंने वाटर बॉटल्स फ्री में दिया है, वाटर बॉटल्स मिला है हम लोगों को, और अभी हम बस ने तो छोड़ दिया, अभी ये लोग मूवी चलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, मूवी चलने की तैयारी हो रही है, मूवी या फिर सॉन्ग ये लोग चलाते हैं, और हाथ के लिए हैंड सैनिटाइजर भी दिया है इन्होंने, अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है। और मेरे पापा वहाँ से पीछे से देखे ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, उनको भी कैमरा में आना है, इसलिए अभी मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा में बहुत झमेला है, अभी ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी फिर डेड हो जाएगी। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट मुझे मिल तो नहीं रहा है, पता देखेंगे कुछ मिलेगा तो वहाँ पर जाके देखेंगे, देखते हैं। गाइस, सो अभी बस यहाँ पर रुकी है एक ढाबे में, ढाबे का नाम है किचू खून, बंगाली में नाम है, और ये हमारा बस जो है यहाँ पर रुका हुआ है, एज यू कैन सी, और पीछे जो ये ढाबा देख रहे हैं यहाँ पर हमें जाना है, थोड़ा कुछ खाना है अभी, अगर किसी को बाथरूम लगी है सो बाथरूम में आप लोग जा सकते हैं, इधर बाथरूम का एरिया है, तो बस यही सब है। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन ढाबे का खाना हम लोग नहीं खा रहे हैं, मम्मी ने ऑलरेडी घर से लूची पूरी बना के लाई थी, वही हम बस बैठ के खा रहे हैं। और मैं अभी ये एक ऑमलेट ख़रीद के खा रही हूँ यहाँ से, डबल एक का ऑमलेट है, ठंडी के मौसम में डबल एक का ऑमलेट मज़ा ही आ गया, एकदम अच्छे से बढ़िया से इन्होंने बना के दिया है, बस यही खाऊंगी और सीधा बस पे जाके बैठ जाऊंगी आराम से। चारों तरफ इस कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ बस कोहरा ही है, बहुत ठंडी लग रही है। देखी रे, सब तो सादा चारों तरफ, कुआसा कोहरा ही है, पूरा
ढक चुका है पूरा, कुछ नहीं दिख रहा बाहर। लग रहा है कि बारिश हो रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल ही कोहरा है बाहर, कुछ नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो गई है और सुबह के बजे अभी 7 और हम बस पहुंचने वाले हैं। शायद बाहर बिल्कुल कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो फाइनली मुझे फ़ोन का चार्जर जो है वो मिल गया था, यहाँ पर नीचे एक पॉट दिया हुआ है, यहाँ पर सीट के नीचे इधर एक जगह है, वहाँ पर अभी यूएसबी से फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो ये अच्छी बात थी, बस बीच में दो जगह पे रुकी थी तो वहाँ पर हम बाथरूम वाथरूम कर लिए, खाना पीना सब कुछ हो गया, अच्छा था। और सोने का सीट भी जो था वो बहुत अच्छा था, तो ओवरऑल जर्नी अच्छी रही, बस अच्छा रहा। अगर अकेले अकेले जाओगे तो थोड़ा खुद का ही पैसा लगता है, पूरा का पूरा शेयर नहीं कर सकते हो आप किसी के साथ, तो यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हमारा जो छोटू सा प्यारू से ये भी हमारे साथ ही जाती है हर जगह पर। तो यह डायरेक्ट गैंगटॉक में जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, और वो वाला ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। सो ये अलग है, वो अलग है। सो अगर गैंगटॉक वाला ब्लॉग देखना है सो वो भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। सभी के लिए बाय बाय।